किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बड़े शहरों की बात ही कुछ और होती है। हम में से कितने ही लोग कितने ही कारणों की वजह से बड़े शहरों की ओर खींचे चले जाते हैं, कोई बेहतर जॉब के लिए तो कोई हायर स्टडीज के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे सपने लिए आशिमा भी आई थी एक बड़े शहर में। आशिमा खुश मिजाज, जिंदा दिल, जिंदगी और खुद से बहुत प्यार करने वाली। इस शहर की कभी ना रुकने की आदत, यहाँ की भीड़ भाड़, यहाँ की भाग दौड़, जो यहाँ रहने वाले बाकी लोगों को शायद कुछ खास पसंद ना आए, पर आशिमा को तो जैसे हमेशा से यही सब चाहिए था। यहाँ आकर मानो वो खुद को पहले से ज्यादा आजाद और आत्मनिर्भर महसूस करने लगी। उसे लगने लगा जैसे उसके बड़े बड़े सपनों को छोटी सी उड़ान मिल गई हो। पर शायद आशिमा एक बात भूल रही थी, हमारी बनाई इस दुनिया में लड़कियों के लिए अपने सपने सच करना इतना आसान भी नहीं। जल्दी चले आशिमा, अगर लेट हो गया ना तो फिर ऑटो का खर्चा। हाँ हाँ, मेरा सोच, मेरा तो आज फर्स्ट डे इन माय जॉब, व्हाट इफ अगर लेट हो गई तो। बस चली गई क्या? नहीं अभी नहीं। तुझे कैसे पता? वो जो बंदा खड़ा है ना सामने गॉगल शॉगल में, वो भी यहीं से बस लेता है। आए हाय, बड़ा नोटिस करती है उसको। तू भी ना। हाँ बोल। हाँ तू बोल यार। हाँ हो जाएगा, तू बता मुझे, बात बता। भाई वाह, नया पंछी फुरफुर फुरफुर। आशिमा रैप योर फेस यार। क्यों? मैंने कहा जस्ट रैप योर फेस। पर क्या हुआ निकिता? तू समझती नहीं है यार, तू यहाँ नहीं आ रखी, जस्ट रैप योर फेस। अरे बस भी आ गई। ओह Yes. ये 1 month से चली गई क्या? नहीं अभी नहीं, actually मुझे भी वही बस लेनी है। हाँ मुझे पता है आप वही बस लेते हो, बस confirm कर रही थी। वो actually आज मेरी friend नहीं आई ना, I'm new to the city. समझ सकता हूँ, confirm करना तो बनता भी है, क्योंकि अगर इस route की ये बस छूट जाए तो अगली बस तो फिर जाने का बात। And in this city, you can't afford to be late. By the way, I'm Ashima. I'm Rajiv. वैसे आदत हो जाएगी। किस चीज की आदत? बड़ी सिटी की। अभी तो वही नया पंछी है, पर आज अकेला कैसे? भाई तो बॉस, नया पंछी, वो भी अकेला। नए पंछी से गुटरू करने का मजा ही कुछ और है। डाल दो बट्टे वाली तेरा नाम तो बता, अरे पर्स वाली तेरा नाम तो बता। जूते भी हैं, उनका नंबर बताऊं? हाँ हाँ, जूते का, फोन का, घर का नंबर बता दीजिए। टन 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 टारा, यार इतना अच्छा गाते हो, इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते? अबे
देख बेटा, मेरे सामने हीरो बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और ये चश्मा तो तू उतार ही दे। अबे कहाँ देख रहा है बे, अंधा है क्या? सही कहा तुमने, अंधा ही हूँ। और यकीनन तुमने कभी किसी अंधे से मार तो नहीं खाई होगी। अबे तेरी बहन लगती है क्या? हाँ बहन लगती है, पर मैं तो ये सोच रहा था तुम्हारी बहन को कैसा लगता होगा कि तुम उसके भाई हो। अबे साले बताओ तुझे अभी। अरे 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 पकड़ो इनको यार, पकड़ो उसका हो गया। क्या रे पकड़ो ये साले, मुझे भाषा में कहीं नहीं यार, मुझे छोड़ दे। मार छोड़ दे, पकड़ो उसे, छोड़ दे। अरे भाई आर यू ओके? जी तुम चलो भाई, इनका तो रोज का है। कमाल है ना भाई साहब, इनका रोज का है, फिर भी मेरे से कोई कुछ नहीं बोलता। थैंक यू एंड आई एम सॉरी। आई रियली अप्रिशिएट आपने जो भी किया, बट आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। देख नहीं सकता, लेकिन ऐसी चीजें सुनाई जरूर देती। कई सालों में कभी किसी लड़की को इन्हें पलटकर कुछ बोलते हुए नहीं सुना। हमेशा यही सोचा कि जब ये लड़की खुद कुछ नहीं बोलती तो मैं अंधा भला क्या बोल सकता हूँ। लेकिन आज आपकी हिम्मत देखकर शायद मुझ में भी हिम्मत आ। हर लड़की को आपके जैसा होना चाहिए, तब शायद आंख वाले अंधों को भी दिखाई देने लगे। पर ऐसा लगता नहीं कि आप देख नहीं पाते हो। जैसा कि मैंने कहा, पिछले कई सालों से इसी बस स्टॉप से इसी वक्त पर यही बस लेता हूँ। अब इतनी आदत हो ही चुकी है कि बिना सहारे बस तक तो जा ही सकता हूँ, और बाकी मदद कंडक्टर साहब कर देते हैं। लीजिए बस भी आ गई, अब जल्दी चलिए, वरना इस बड़े शहर में आपको दूसरी बस नहीं मिलने वाली।